अपनी माँ की उम्र की औरत से पवन सिंह क्यों कर बैठे थे पहली शादी, यही आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और वहीं इनकी शादी कैसे हुई थी और ये दोनों प्यार में कब पड़े थे, ये सारी कहानी इस वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि पवन सिंह की पहली पत्नी के बारे में, जो कि शायद ही लोग जानते होंगे कि पवन की दो नहीं बल्कि तीन शादियां हुई थी, लेकिन अक्सर लोग दो ही शादियां बताते हैं और वहीं किसी को भी नहीं पता है कि पवन सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या है और ना ही किसी को ये पता है कि पवन सिंह की पहली पत्नी कैसी दिखती है। और पवन सिंह की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही है उतनी उनकी पर्सनल लाइफ सक्सेसफुल नहीं बन पाई है और बहुत ही ख़राब रही है, खासकर इनकी शादियाँ। जी हाँ, वैसे पवन सिंह पर्दे पर तो पति के किरदार बहुत ही अच्छे से निभाते हैं पर ये असल ज़िंदगी में एक अच्छे पति नहीं बन पाए और ये जिम्मेवारी निभाने में दो बार फेल हो चुके हैं। तो इनकी दो बार शादियाँ क्यों टूटी है सुनिए। और अभी जो आप सभी स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, पवन सिंह की पहली पत्नी रीना सिंह हैं और इनके बारे में पूरी कहानी जानने की अब आप सभी को उत्सुकता हो रही होगी। तो चलिए इनकी और पवन की पूरी कहानी सुनाती हूँ कि इनकी प्रेम कहानी में क्या क्या हुआ था। तो रीना सिंह बिहार के सिवान जिले की रहने वाली है और इन्होंने हिंदी फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल में भी काम किया है, जैसे कि क्राइम पेट्रोल और स्टार भारत पर आने वाले पॉपुलर शो निमकी मुखिया में मुख्य भूमिका में नजर आई थी। तो पवन से रीना की मुलाकात कैसे हुई सुनिए। तो ये दोनों एक दूसरे से एक फिल्मी पार्टी में मिले और इनकी पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी रही और इसी मुलाकात में दोनों बातचीत करते करते अच्छे दोस्त बन गए और इनकी पहली मुलाकात ने इनको फिर से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और इस तरह दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और दोनों एक दूसरे से प्यार में भी पड़ गए, जिसकी वजह से इन दोनों ने शादी करने का बड़ा फैसला ले लिया। और पवन के इस फैसले पर उनके परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वहीं रीना पहले से तलाकशुदा थी और उनका एक बेटा भी था, जिसकी वजह से पवन के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि पवन और रीना की शादी ना हो। लेकिन पवन सिंह उस वक्त प्यार में अंधे हो गए थे और इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और अपने परिवार वाले के खिलाफ जाकर पवन ने रीना से कोर्ट मैरिज कर ली और इस शादी में पवन के परिवार से कोई भी शामिल भी नहीं हुआ था। और वहीं जल्दबाजी के लिए गए इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि पवन की पहली शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और इन दोनों का इस शादी से जल्दी मन भी उठ गया और दोनों को पता भी चल गया कि दोनों अब एक दूसरे के लिए नहीं बने। और 4 महीने के अंदर इस शादी से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने तलाक ले लिया और इनके तलाक की वजह क्या बनी ये किसी को भी नहीं पता है। और जब रीना पवन से अलग हुई थी तब उन्होंने पवन से एलिमनी में मुंबई में एक फ्लैट मांग लिया और एक मोटी रकम भी लेकर पवन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो गई। और अभी रीना मुंबई में अपने बेटे के साथ एक अच्छे से ज़िंदगी बिता रही हैं और साथ ही रीना भोजपुरी फिल्मों में भी काम करती। और पवन और रीना का रिश्ता जितनी जल्दी जुड़ा उतना ही जल्दी टूट भी गया और पवन की पहली शादी फेल हो गई और उसके बाद पवन ने दूसरी शादी की अपनी ही भाभी की बहन नीलम से। और नीलम ने भी पता नहीं किस पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने ही घर में फांसी लगा ली और इस तरह पवन सिंह की दूसरी शादी भी फेल हो गई। और वहीं फिर पवन सिंह ने परिवार वालों के कहने पर तीसरी शादी की बलिया की ज्योति से और अभी इनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है। तो अब हमने आप सभी को पवन सिंह की तीनों शादियों से कुछ जुड़ी बातें कहानी बताई है, तो अब आप सभी का क्या कहना है इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।